हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्यारे से नन्ना सा चैनल बुम बुम फिजिक्स पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ट्वेल्थ क्लास का एग्जामिनेशन अभी तुरंत 1 फरवरी से शुरू होने वाला है और उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी एकदम जोरों शोरों पे होगी, एकदम मज़ेदार ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। सारे टॉपिक्स को क्लियरली आप लोगों ने देख रखा होगा, सारे एक एक टॉपिक को आप लोगों ने बढ़िया से पढ़ा होगा, उस पर आपने बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल किए होंगे। कोई भी किताब पकड़ के केवल सवाल करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, केवल क्वेश्चन करिए आप लोग। मुख्य ध्यान आप लोग अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पर रखिए। अगर वो आपका पूरी तरह से स्पष्ट है, आप उसको अपने से कर ले रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी 100% तो नहीं लेकिन उसके आसपास जरूर है। 100% तैयारी कभी नहीं होती है, कभी भी मन में ये फीलिंग नहीं आता है कि ओ बॉस नहीं, ऐसा जैसे करीब करीब आता जाएगा ना वैसा महसूस होता जाता है कि तो नहीं और तो नहीं और तो नहीं और ये वाला। कोई बात नहीं, ये जिज्ञासा ये क्यूरियोसिटी अपने अंदर जगाए रखिए और पढ़ते रहिए। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं 5 नंबर का सवाल। हालांकि मैंने आपके सामने 5 नंबर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को ग्रुप में भेज रखा है और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग उन सारे सवालों का आंसर खुद से तैयार कर लें कृपया, ठीक है। आज हम छोटू जो टॉपिक का बात करने वाले हैं वो टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। बहुत लोगों ने वो किया कि सर प्लीज़ गैल्वेनोमीटर पर एक वीडियो डाल दीजिए, गैल्वेनोमीटर पर एक वीडियो डाल दीजिए। चल कुंडली, वास्तव में उसका नाम है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। तो मैंने सोचा चलो एक स्पष्ट तरीके से इसका एक वीडियो तैयार करते हैं हम लोग, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? देखिए, वास्तव में गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो छोटी धाराओं को मापता है, एक्चुअली छोटी धाराओं का पता लगाता है कि यहां पर छोटी धारा है या नहीं है। गैल्वेनोमीटर क्या होती है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसका उपयोग हम लोग सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि छोटी धाराओं का क्या किया जा सके, पता लगाया जा सके। समझ रहे बात को? आइए हम इसका परिभाषा यहां लिखते हैं। यह एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग हम लोग छोटी धाराओं का पता लगाने में करते हैं। एक बात हम आपको बता देते हैं, आप गैल्वेनोमीटर के सहायता से 1 एम्पियर धारा माप नहीं सकते, 5 एम्पियर 10 एम्पियर नहीं माप सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एमीटर का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनाया जाता है, आपको पता है। गैल्वेनोमीटर को पहले एमीटर में आपको चेंज करना पड़ेगा और तब आप धाराओं को माप सकते हैं। लेकिन यहां पर गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं हम लोग। गैल्वेनोमीटर सिर्फ इसलिए उपयोग किया जाता है ताकि हम छोटी धाराओं का पता लगाया जा सके। बहुत छोटी सी धारा, ऐसी धारा ना जिसका तार हम लोग छिल लेंगे और समझ में भी नहीं आएगा कि धारा था, मिली एम्पियर में धारा होती है वो। समझ रहे बात को? ओके सर। तो वास्तव में जो आपको टॉपिक, ये ध्यान रखिएगा, छोटी धाराओं को, किससे? छोटी धाराओं को, ये ऐसी धाराएं होती हैं जिनका परिमाण जो होता है कम होता है। समझ रहे बात को? ओके, मिली एम्पियर में। वास्तव में हम इसको बोलेंगे जो मिली एम्पियर में होती हैं, जो कहां होती हैं? मिली एम्पियर में होती हैं, ठीक है। ओके, वास्तव में जो आज हम लोग अभी टॉपिक आपका जो है, जो एनसीईआरटी में है और बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, उसका नाम है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। क्या नाम है बंधु? चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। ओके, अंग्रेजी लिख दें, अंग्रेजी होता है मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। इसका अंग्रेजी क्या होता है दोस्त? मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। ओके, तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर पढ़ने के पहले हम आपको थोड़ा सा पढ़ाना चाहेंगे कि इस किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखिए, सारी चीज़ें एकाएक परत दर परत उखड़ती जाएंगी और आपके दिमाग में क्लियर होता जाए चला जाएगा। पहले हम सिद्धांत क्या लिखेंगे, सिद्धांत, जब एक
धारावाही कुंडली को, धारावाही कुंडली वैसी कुंडली जो तार से मिलकर बनी हो और उसे धारा जा रही हो, जब एक धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है, तो उस कुंडली पर एक आघूर्ण लगता है, कुंडली पर एक आघूर्ण लगता है, यही इसका सिद्धांत है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत क्या है छोटू, कि जब भी आप किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में आप रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उस कुंडली को घुमाएगा अपने में, और घुमाने उसी को हम लोग आघूर्ण कहते हैं। किसी भी कुंडली, कुंडली जैसे एक मान लो एक चुंबकीय क्षेत्र है तुम्हारे पास और तुमने क्या किया ना, एक एक प्लेट रख दिया उसमें। अब चूंकि प्लेट आप जो रख रहे हो थोड़ा सा इंक्लाइन रखना ताकि क्षेत्र के साथ कुछ कोण बनाए, अब जब वो कोण बनाती है ना तो कोण बनाने के कारण से उस प्लेट पर एक आघूर्ण लगेगा जिसके कारण से प्लेट घूमने लगेगा, प्लेट क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा, वो रोटेट करने लगेगा। वही काम यहाँ पर होता है, किसी भी धारावाही कुंडली को जब आप चुंबकीय क्षेत्र में रखिएगा वो कुंडली घूमने लगती है, ठीक है, ये सिद्धांत है। अब क्या क्या लेना पड़ता है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में, हम एक ऐसी कुंडली लेते हैं, हम क्या लेते हैं छोटू, हम एक ऐसी कुंडली लेते हैं जिसमें जिसमें बहुत सारी फेरे होती हैं, बहुत सारी क्या होती हैं, फेरे होती हैं, बहुत सारी फेरे होती हैं, एक फेरा नहीं होता, बहुत सारा फेरे होता है, तथा उस कुंडली को एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं, एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, ओके। अभी देखो मैंने वो कुंडली ली है जिसमें बहुत सारे फेरे हैं और हम क्या किए हैं, उसको एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए हैं। जैसे ही कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे ही कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है, कुंडली पर एक आघूर्ण लगने लगता है, कुंडली पर एक आघूर्ण लगने लगता है, समझ गए बात को, कुंडली पर क्या लगने लगता है दोस्त, एक आघूर्ण लगने लगता है। अब एक स्केल ले लेते हैं एवं एक पॉइंटर ले लेते हैं, एक पॉइंटर की सहायता से गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण का मान प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं छोटू, ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है, मैंने जो लिखी है वो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कार्य विधि है, उसे आपको कार्य करना पड़ता है। हमने एक कुंडली ली है जिसमें बहुत सारी फेरे हैं,
तथा कुंडली को एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप कुंडली से धारा प्रवाहित करते हैं ना मेरे भाई, अब क्या होता है कि कुंडली पराघूर्ण लगेगा और कुंडली क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। कुंडली क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा, और घूमने के कारण से अब गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण आएगा। और आप क्या करिएगा, आप एक स्केल ले लीजिए और एक पॉइंटर ले लीजिएगा, ठीक है, और उनकी सहायता से आप गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एक्चुअली जो पर्पस है हमारा वो ये है, पर्पस जो है हमारा वो ये है, ध्यान दीजिएगा कि अधिक धारा होगा, है ना, तो अधिक जब धारा होगा ना छोटू, तो अधिक धारा की वजह से अधिक आघूर्ण लगेगा। अधिक धारा की वजह से क्या लगेगा, अधिक आघूर्ण। क्या यहां चमक रहा है? नहीं सर, दिख रहा है, देख लीजिए वहां पे, आप लोगों को क्लियर आ रहा है ना। अधिक धारा जब हो जाएगा तो अधिक आघूर्ण, सॉरी नीचे लिख देते हैं, अधिक धारा जिसके कारण से कुंडली में अधिक आघूर्ण आएगा, और जब छोटू अधिक आघूर्ण आएगा, समझ रहे बात को, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जितना ज्यादा आघूर्ण आएगा उतना ही ज्यादा विचलन आएगा। अधिक विचलन का तुम मान प्राप्त कर सकते हो, अधिक विचलन। एक्चुअली पर्पस जो है हमारा इस चीज को पढ़ने का ये है, समझ रहे बात को, कि जितना धारा हम कुंडली में प्रवाहित करेंगे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में उतना ही ज्यादा विचलन दिखेगा। जितना ज्यादा धारा हम प्रवाहित करेंगे उतना ही ज्यादा गैल्वेनोमीटर में हमको क्या मिलेगा, विचलन मिलेगा। आप एक काम करिए, आप इसको नोट कर लीजिए जरा जल्दी। चलिए तो चलिए अभी गैल्वेनोमीटर का चित्र कैसे बनता है, डायग्राम कैसे बनता है, वो जरा हम आपको दिखाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप, हम क्या करते हैं छोटू कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर बनाने के पहले हम आपको थोड़ा सा एक बात बता दें कि हम लोग यहाँ पर एक ऐसे टर्मिनल ले लेते हैं, हम इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल, टिंग टिंग टिंग, टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल से हमने तार जोड़ा और तार को यहाँ लाए, और एक क्लैंप का तार है, वो लकड़ी का क्लैंप हो सकता है या फिर आप यहाँ पे मेटल का भी क्लैंप लगा सकते हो, उसके सहारे मैंने यहाँ पे इसको होल्ड कर रखा है। फिर एक पतला तार यहाँ पर लेके आया मैंने, पतला तार एकदम थीन, ठीक है ना, पतला तार। अब पतले तार के से क्या करोगे सर, पतले तार से वो कुंडली लटकाएंगे सर, वो कुंडली सर, जिस कुंडली के बारे में बात हो रही है, वो कुंडली जिसमें बहुत सारे फेरे हैं, देखो एकदम आसान सा फोटो बनाने वाले हम, ठीक है, वो कुंडली सर जिसमें बहुत सारे फेरे होने वाले हैं, देखो ये फेरे 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 फेरे, ये फेरे फेरे क्या है, ये फेरे फेरे, कोई बात नहीं, बहुत सारे फेरे हैं, देखो ये देखो, और फेरे करते करते ये एक इंड पर तार ऐसे लपेटते 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 कोई तो ऐसे एकदम मिलेगा ना, यहाँ पर लेके आएंगे, और इसकी सहायता से हम यहाँ पर एक स्प्रिंग जोड़ देते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक टर्मिनल, राजेंद्र नगर टर्मिनल, ये T1 बोलो, ये T2 बोलो, टर्मिनल T2, ठीक है ना, हालांकि है टर्मिनल ही, हाँ ये टर्मिनल है। और अब क्या करेंगे सर, आपने तो बोला था एक कुंडली ले लेंगे, ओके, और उस कुंडली को कहाँ रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कैसे लाएंगे, लाने के लिए करेंगे काम, यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये देखो, और यहाँ पे साउथ पोल, क्योंकि यहाँ पे सिलिंड्रिकल चुंबक लाया जाता है ताकि एकदम सिलिंड्रिकल सुई चुंबकीय क्षेत्र जाए, ये नॉर्थ ये साउथ, तो तुमको तो पता चल गया ना कि यहाँ पर ऐसे 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 चुंबकीय क्षेत्र जाएगा बी, है ना, और चूंकि ये थोड़ा सा इंक्लाइंड मैंने इसलिए दिखाया है ताकि आपको मालूम चले कि इसके एरिया में जो आपका एरिया होगा और जो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके बीच में कुछ कोण बन रहा हो, अगर दोनों के बीच में कोई कोण नहीं बनेगा तो कोई आघूर्ण नहीं लगेगा, है ना, कुछ दोनों के बीच में ये प्लेट जो आपका ये जो है ना कुंडली, कुंडली का क्षेत्रफल, ए का मतलब क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल, याद रखिएगा, तो कुंडली का क्षेत्रफल जो होना चाहिए दोस्त वो ए है, और उनके बीच में कुछ कोण होना चाहिए। अब देखो, अब जब चुंबकीय क्षेत्र में इसको रख दिया गया और आप यहाँ से एक तार ले लिए, जब इस तार को आप दोनों को यहाँ पे करोगे जोड़ोगे और इनसे
तार से धारा प्रवाहित कराने लगोगे तो ये करंट इधर जाएगा, ये करंट और ये करंट जाके इसमें आएगा, समझ रहे हो बात को। और जैसे ही ये करंट इसमें आ जाएगा ये कुंडली से धारा प्रवाहित होने लगेगा, और कुंडली में धारा प्रवाहित होने के कारण से मेरे भाई कुंडली में अघूर्ण लगने लगेगा और कुंडली घूमने लगेगा, कुंडली क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा ऐसे, समझ लो, ध्यान देना, फील करना यहां पे बात को। कुंडली अब क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा, क्यों, क्योंकि कुंडली पर अब आपके चुंबकीय क्षेत्र और धारा ने मिलकर अघूर्ण क्रिएट कर दिया, और अघूर्ण जब क्रिएट हो गया ना तब ये गोल 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 घूमने लगेगा, वो चीज हम यहां पे लिख रहे हैं। कुंडली से धारा प्रवाहित होते ही, धारा प्रवाहित होते ही उसमें अघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और वह अघूर्ण कितना होता है, टाऊ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, याद रखना इस बात को। कुंडली में जब किसी कुंडली को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब किसी कुंडली को आप कहां रखते हैं दोस्त, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, और उस कुंडली से आई धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस कुंडली पर कितना अघूर्ण लगता है, टाउ बराबर एन आई ए बी, यहां पर एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या, ओके ओके सर। आई क्या है, कुंडली से धारा, कुंडली से धारा। ए क्या है, ए तो आप जानते ही हो, कुंडली का क्षेत्रफल, ओके। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, बी क्या है दोस्त, चुंबकीय क्षेत्र, समझ रहे हो। अच्छा ये थीटा क्या है, तो थीटा है सर चुंबकीय क्षेत्र एवं कुंडली के क्षेत्रफल में, कुंडली के क्षेत्रफल के बीच का कोण, के बीच का कोण, ठीक है। अब थोड़ा एक पते की बात बताते हैं तुमको, क्योंकि जो ये एन आई ए है ना इसी को हम लोग बड़का एम बोलते हैं। ये एन आई ए जो तुमको दिख रहा है दोस्त यहाँ पे, आप जो यहाँ एन आई ए देख रहे हैं उसी को हम बड़का एम बोलते हैं, और ये बड़का एम को क्या बोलते हो तुमको, चुंबकीय अघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण, याद आ ही गया होगा, चुंबकीय अघूर्ण। यहां से एक एक्सप्रेशन आ गया, यहीं से टाउ बराबर एन आई ए के जगह पर एम, बी के जगह पर बी, और ये साइन थीटा। क्या आपको याद आया कि टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है, याद आया, यस सर याद आया याद आया याद आया। तो आप इसको नोट करो नोट करो नोट करो जल्दी से। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जैसे जैसे इसमें से धारा प्रवाहित होगा ये कुंडली पे अघूर्ण लगेगा, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, और ये घूमने लगेगा। अब जरा देखना मेरी बात को, जैसे जैसे ये घूमेगा ये तार में ऐंठन आएगा, मरोड़ेगा, ये स्प्रिंग भी मरोड़ाएगा, है ना, जिसको बोलते हैं ना ऐंठाता, तो ये ऐंठाए लगी, ऐंठा। अच्छा कोई भी चीज को ऐंठल जब तो शुरू में आराम से ऐंठाला, लेकिन धीरे धीरे ऐंठत लास्ट में कैसा मोमेंट आवेला जब ऐठाई बंद हो जाए, अब ना ऐठाई। सेम कंडीशन इसका भी तो कभी आएगा, सेम कंडीशन इसका आएगा, वही चीज हम आपको दिखाने वाले हैं थोड़ा सा। मतलब कि ये ऐठाएगा 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 ऐठाएगा, और एक ऐसा कंडीशन आएगा जब अब इससे ज्यादा ऐठन नहीं आएगा इसमें। चलो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, हम एक फोटो बना के थोड़ा सा तुमको मरोड़ से संबंधित एक टर्म समझाएंगे कि जब किसी रस्सी को, जब किसी स्प्रिंग को, जब किसी रॉड को आप मरोड़ते हैं तो क्या होता है, ध्यान देना। तो देखो जैसे मान लो कि यहां पर तुमने एक रस्सी ले लिया है और रस्सी में आपने एक बॉडी को लटका दिया है और आप इसको ऐंठने लगे। जब आप इसको ऐंठिएगा ना दोस्त, जब इसको ऐंठिएगा और बहुत ज्यादा एकरा को ऐंठ किया छोड़ दो, जब आप ऐंठ किया छोड़िएगा तो क्या होगा, वापस ऐंठा के वापस पहले जैसा था वैसे होने लगेगा। आप ऐसे ऐसे ऐंठ रहे थे और आपका ऐसे ऐसे ऐंठने के कारण से इस तार में, इस रस्सी में मरोड़ आ गया, और जब आप इसको छोड़िएगा ना तो वो आपको बिना बल लगाए बस आप छोड़िए वो रिवर्स में आप फिर से वो नाचने लगेगा, रिवर्स में अपने आप एक अघूर्ण लगने लगेगा। इसी को बोला जाता है प्रत्यानयन अघूर्ण, प्रत्यानयन
आघूर्ण। अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग टर्क, रीस्टोरिंग टर्क। आप आघूर्ण लगा के इसको ऐंठ रहे थे, अब जब ऐंठ देते हैं आप इसको और छोड़ते हैं तो आपके उसी ऐंठने के कारण से ये उल्टी दिशा में अपने आप से सीधा होने के लिए एक 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 आघूर्ण लगाने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन, रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, एक बात देख लो जरा, एगो मरोण नियतांक आता है, मरोण नियतांक सी, क्या आता है सी, पहले समझो सी क्या है, पहले समझना सी क्या है। एक डिग्री मुड़ने पर जो प्रत्यानयन आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे सी कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, सी कहा जाता है। अब ध्यान देना मेरी बात को, आप किसी चीज को थोड़ा सा मोड़ के छोड़ दिए तो थोड़ा सा मोड़ के छोड़िएगा तो थोड़ा सा वही मुड़ेगा, तीन हाली मोड़ दिए और तब छोड़े तो ज्यादा मुड़ेगा, पूरा ऊंट दिए अब फिर छोड़ रहे हैं तो बैक में देर तक मुड़ेगा, है ना। तो एक डिग्री मोड़ने पर जो भी टर्क क्रिएट हो रहा है, एक डिग्री मोड़ने पर जो भी टर्क क्रिएट हो रहा है टाऊ, आप उसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को दोस्तों, एक डिग्री जब मोड़ रहे थे, देखिए यहां पे हम क्या दे रहे थे, यहां पे हम लोग कोण दे रहे हैं, कोण मरोण कोण बोल रहे हैं, और यहां पर हम टर्क निकालेंगे। एक डिग्री जब आप मोड़ रहे थे तो आप उसको सी बोल रहे थे, अच्छा जब दो डिग्री मुड़िएगा तो आप उसको क्या बोलिएगा, टू सी। थ्री डिग्री मुड़िएगा तो आप उसको क्या बोलिएगा, थ्री सी। मान लीजिए कि हम फाइव डिग्री मोड़ दिए, हम कितना मोड़ दिए, फाइव डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे उसको, फाइव इंटू सी। तो अब देखो फाइव डिग्री मोड़ने पर किसी तार को या स्प्रिंग को या रस्सी को फाइव डिग्री मोड़ने पर आघूर्ण कितना लगेगा, टाउ बराबर सी फाई, टाउ बराबर कितना लग जाएगा, सी फाई। मतलब कि ये वह आघूर्ण है जब आप किसी स्प्रिंग को मोड़ते हैं और मोड़ने के बाद छोड़ते हैं तो रिवर्स में जो एंटर्न आता है, रिवर्स में जो मरोड़ आता है, हमने उसको बोला कि टाउ बराबर सी इंटू फाई। ठीक है, अब देखो हम वैसा ही काम करते हैं, हमने क्या किया, हमने क्या किया दोस्त, हमने गैल्वेनोमीटर में जो कुंडली था उसको मोड़ने लगे और मोड़ते 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 एक ऐसा कंडीशन आएगा जब गैल्वेनोमीटर में कुंडली पर आघूर्ण लगता है तो एक ऐसी अवस्था आती है जब कुंडली पर लगने वाला आघूर्ण उसमें उत्पन्न प्रत्यानयन आघूर्ण के बराबर हो जाता है, प्रत्यानयन आघूर्ण के बराबर हो जाता है, समझ गए बात को। एवं उस समय कुंडली का घूमना बंद हो जाता है, कुंडली का घूमना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। कहने का मतलब साफ है कि कुंडली घूमेगा 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 घूमेगा, एक ऐसा कंडीशन तो आएगा ना कि अब स्प्रिंग पूरा उठा गई, अब ज्यादा उठबा तो स्प्रिंग टूट जाए, तार टूट जाए, गैल्वेनोमीटर खराब हो जाए, एक ऐसा कंडीशन आएगा जब अब इससे ज्यादा नहीं उठाएगा, जैसे ही छोड़िएगा ना भनभना के फिर बैक में वो मुड़ जाएगा। तो थोड़ा सा एक फोटो हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे, ये नोट हो गया है, कोई बात नहीं। अब देखो हम यहीं पे छोटा सा फोटो बनाएंगे, जैसा गैल्वेनोमीटर का फोटो आप दुकान उकान पे देखते हो, दुकान पे जाते हो तो देखते होगे, हम एक फोटो बनाएंगे।
देखना यहाँ पे, ये इस तरह का होता है ना, यहाँ पे रीडिंग डाला होता है, ठीक है ना, इस पे रीडिंग डाला होता है, और यहाँ पर हम लोग एक एक पॉइंटर लिए होते हैं। ये पॉइंटर वास्तव में होता यहाँ पर है शुरू में, ये पॉइंटर वास्तव में यहाँ पे होता है, लेकिन जब आप उसमें करंट देते हैं, और करंट देने के कारण से गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग आता है वो इधर भागने लगेगा, ये जीरो है, जीरो से इधर भागेगा, और भागते 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 जाने लगा, और फाइनली यहाँ आता है लास्ट में, ठीक है। इस समय ये फाई एंगल बना रहा है, इस समय कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल। अब इससे ज्यादा वो नहीं जाएगा, और जैसे ही मतलब करंट देना बंद कीजिएगा ना, ये सुई इधर गिर जाएगा, अब फिर यहीं पैक रुक जाएगा। ज्यादा मोड़ने पर ये फाइनली रीडिंग यहाँ पे आके दिया, अब छोड़ा ना तो बस नहीं आई हेजा के ना रुक जाइए। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में अंट के कुछ तार को छोड़िएगा तो आप 10 बार उठे हैं, एक बार छोड़िएगा तो तुरंत वहीं पैक रुक जाएगा, नहीं बैक में जाएगा। वैसे ही जैसे आप पेंडुलम को लिए हैं, यहाँ पे लाए तो यहाँ से छोड़िएगा तो यहीं जाकर थोड़े रुकेगा, बैक में जाएगा, फिर आगे पीछे। सेम केस यहाँ भी होता है, आपके उठने के कारण से ये तो पिक पे चला गया, अब इससे ज्यादा नहीं अंठन आएगा, और अब जैसे ही छोड़िएगा फुचुक 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 यहाँ आके रुकेगा। ये 5 डिग्री मतलब ये रीडिंग है, ये क्या है, रीडिंग है, यही है रीडिंग, यही है हमारा रीडिंग। अब आपने क्या देखा सर, कि ये जो टाऊ है ना सर, वो सी इंटू फाई के बराबर है। सर जी टाऊ बराबर आप पढ़े हैं एन आई ए बी साइन थीटा बराबर सी इंटू फाई, इसलिए आई बराबर सी बटा में एन ए बी साइन थीटा इंटू फाई। यहाँ से क्या साबित होता है, कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई के। देखो भाई मेन यही हमें साबित करना था, गैल्वेनोमीटर का मेन यही है कि अधिक धारा यानी कि धारा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विचलन का। धारा जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, विचलन। जितना ज़्यादा गैल्वेनोमीटर से आप धारा प्रवाहित कराइएगा मेरे दोस्त, उतना ही ज़्यादा उसमें विचलन आता है, ठीक है। तो ये था गैल्वेनोमीटर, पूरा वीडियो आपने देखिए, और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। ये 5 नंबर के लिए इस साल के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।